गाइस आज की इस वीडियो में हम एसोस के ब्रांड न्यू वीवो 15 लैपटॉप के बारे में जानेंगे जिसे हाल ही में लॉन्च करा गया है और इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है इंटेल का 12 जनरेशन i3 प्रोसेसर है वो भी पी सीरीज का, जिससे आपको एसोस की इस मॉडल में काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और आप इसे नॉर्मल फोटो एंड वीडियो एडिटिंग हो, कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए हो या ऑफिस या बिजनेस से रिलेटेड टास्क के लिए यूज कर सकेंगे। और बता दें ये मॉडल उन यूजर्स के लिए एकदम परफेक्ट है जिनका बजट 45,000 तक के अराउंड है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ इस प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील होगा या नहीं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग मोर्स लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सीपीयू के बारे में। आपको इस लैपटॉप में इंटेल का कोर i3 1220p प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है और एक इंटेल का 12 जनरेशन एल्डर लेक पी सीरीज का प्रोसेसर है जिसे लास्ट ईयर 2022 में लॉन्च करा गया था। और आपको इसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगी जिससे 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं। और ये प्रोसेसर 10 कोर्स और 12 थ्रेड्स का रहने वाला है और इसमें 12 MB की L3 कैशे मेमोरी प्रोवाइडेड है। और बता दें इसमें कोर्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक परफॉर्मेंस कोर्स और दूसरा एफिशिएंट कोर। और इनके कोर थ्रेड्स एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसीज में काफी डिफरेंस रहने वाला है। परफॉर्मेंस कोर्स तब यूज होंगे जब आप इंटेंशनली हैवी टास्क करेंगे जैसे कि फोटो एंड वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या मल्टीटास्किंग। और एफिशिएंट कोर्स तब यूज होंगे जब आप नॉर्मली वर्क करेंगे जैसे कि मान लीजिए वीडियो स्ट्रीमिंग हो गई, वेब सर्फिंग हो गई, एमएस ऑफिस में वर्क या सिमिलर टास्क। यानी सीपीयू आपको काफी वेल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देगा और आप इस लैपटॉप पर अपने डे टू डे के टास्क फास्ट एंड इजिली कर सकेंगे। और इस प्रोसेसर के परफॉर्मेंस कोर्स के बारे में बताऊं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि सिंगल और मल्टी कोर दोनों में इंटेल के इस प्रोसेसर के परफॉर्मेंस कोर्स 11 जनरेशन के i3 प्रोसेसर से कितने बेटर रहने वाले हैं। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रीलोडेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज इंक्लूडेड है विद लाइफटाइम फ्री लाइसेंस। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ऑफिस या बिजनेस रिलेटेड वर्क के लिए इसमें प्री इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 वर्जन भी मिलता है जो काफी अच्छी बात है। और रैम इसमें 8 GB की सिंगल DDR4 रैम का सपोर्ट रहने वाला है जो 3200 MHz तक की क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ आती है। और आप चाहो तो इस लैपटॉप में रैम को 16 GB तक अपग्रेड भी कर सकते हैं। और स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो इस लैपटॉप में 512 GB की NVMe M.2 Gen 3 SSD स्टोरेज ड्राइव लगी मिलने वाली है जिससे इस लैपटॉप की रीड एंड राइट की स्पीड काफी फास्ट रहेगी। और आपको यहाँ पर फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सेस देखने को मिल जाएगी। और चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते और जानते हैं इसके ग्राफिक्स के बारे में। तो लैपटॉप आता है इंटेल के UHD ग्राफिक कार्ड के साथ जो कैजुअल गेमिंग के लिए इंटेल का डिसेंट GPU है जिससे आप इसमें नॉर्मल सेटिंग्स पर GTA 5 की जैसी गेम से इजीली खेल सकेंगे। और आपको GTA 5 में 50-60 FPS बड़े पैसे देखने को मिल जाएंगे। बट स्टिल फ्रेंड्स ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है इसलिए आप इसे हाई लेवल्स पर गेमिंग करने के लिए बिल्कुल भी बाय मत करना क्योंकि इसमें डेडिकेटेड GPU प्रोवाइडेड नहीं है। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। इसमें दिया गया है 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले जो 220 इंच तक की पिक ब्राइटनेस और 45% NTSC कलर गैमेट को सपोर्ट करता है विद 60Hz रिफ्रेश रेट जिससे इसके डिस्प्ले के कलर्स एंड ब्राइटनेस काफी अच्छे रहेंगे इंडोर यूज के हिसाब से। और बता दूं इसके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1920x1080 पिक्सल तक का देखने को मिलता है जिससे आपको इसमें नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पर मूवीज एंड वेब सीरीज को देखने में काफी मजा आएगा। और इसी के संग हमें यहाँ पर एंटी ग्लेयर कोटिंग भी प्रोवाइड की गई है जैसे आपको इसमें ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को नहीं मिलेगी और आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने वर्क पर काफी अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे। सो ओवरऑल गाइस एसोस के इस लैपटॉप का डिस्प्ले काफी ऑसम है। और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊं तो एसोस के इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और इसकी टॉप की लिड पर आपको एसोस वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और लैपटॉप काफी स्लेक एंड स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है और लैपटॉप की बिल्ड के साथ किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और हमें इसमें ले फ्लैट इन डिजाइन देखने को मिलता है जिससे आप लैपटॉप को 180 डिग्री तक रोटेट करके स्क्रीन शेयर कर सकेंगे और एक ही समय पर कई लोगों के लिए स्क्रीन देखना काफी आसान हो जाएगा। और बता दूं इसके बैक पैनल में आगे और पीछे रबर डिस्क दी गई हैं जो लैपटॉप में एक अच्छी ग्रिप बनाए रखेंगी। इस लैपटॉप का वेट 1.7 kg है और एसुस का मॉडल ब्लू कलर में अवेलेबल है। और स्पीकर्स की बात करें तो इस लैपटॉप में डुअल स्पीकर्स का सेटअप रहने वाला है जिससे आपको इस लैपटॉप में एक डिसेंट ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी और आप इसमें मल्टीमीडिया को फॉलो एंड एंजॉय कर सकेंगे। और बेटर वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें लेटेस्ट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5 वर्जन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जिससे आपको इसमें काफी बेहतरीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी और आप इसमें अपने सभी तरीके के वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकेंगे। और वीडियो कॉलिंग के लिए एसुस ने इस लैपटॉप में 720 पिक्सल्स वाला HD वेबकैम प्रोवाइड किया है वो भी इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स के साथ जो जूम पर वीडियो कॉलिंग्स एंड मीटिंग्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा।
एंड प्लस गाइस इसके वेबकैम में प्रीवीसी शटर का ऑप्शन भी इंक्लूडेड है जो काफी नाइस फीचर है प्राइवेसी के लिए। और चलिए अब जानते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। इसमें फुल साइज का चिकलेट कीबोर्ड दिया गया है विद डेडिकेटेड नंबर पैड। कीबोर्ड के किस के बीच के अलाइनमेंट एंड की साइज दोनों काफी अच्छे हैं और आपको इसमें 1.4 mm का की ट्रैवल देखने को मिल जाएगा। जिससे आपको इस लैपटॉप में टाइपिंग करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें काफी कंफर्टेबली टाइपिंग कर सकेंगे। पर फ्रेंड्स इसमें बैकलाइट कीबोर्ड का ऑप्शन इंक्लूडेड नहीं है जिससे आप इस लैपटॉप को लो लाइट में यूज नहीं कर सकेंगे जो इस लैपटॉप का एक माइनस पॉइंट है। और ट्रैक पैड की बात करें तो इसमें एक परफेक्ट साइज का ट्रैक पैड रहने वाला है जो विंडोज 11 के सारे जेसेस को सपोर्ट करता है और ये ट्रैक पैड फुली क्लिकेबल है और उसका टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है। और गाइस आपको यहीं पर ही इसके ट्रैकपैड में फिंगरप्रिंट रीडर का फीचर भी देखने को मिल जाएगा जिससे आप इसमें बिना पासवर्ड एंटर करे लैपटॉप को जस्ट वन टच में लॉगिन कर सकेंगे। और बैटरी लाइफ को जबरदस्त बनाने के लिए कंपनी ने इसके साथ 65 वॉट का चार्जर दिया है जो लैपटॉप को 49 मिनट्स में 60% तक चार्ज कर देगा। और आपको इस लैपटॉप में 3 सेल्स वाली 42 वॉट आवर्स के लिथियम आयन बैटरी लगी मिलने वाली है जिससे आपको अराउंड 3-5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इस लैपटॉप के पोर्ट्स की बात करें तो हमें इस लैपटॉप में सभी तरीके के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 यूएसबी टाइप ए पोर्ट रहने वाला है और राइट हैंड साइड में 1 चार्जिंग पोर्ट, 1 एचडीएमआई पोर्ट, 2 यूएसबी टाइप ए पोर्ट, 1 यूएसबी टाइप सी पोर्ट एंड 1 3.5 एमएम का ऑडियो जैक दिया गया है। पर फ्रेंड्स इसमें इथरनेट का पोर्ट और माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं है। और चलिए बात करते हैं कि इस लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप पावर अडैप्टर, पावर कोड और लैपटॉप के यूजर गाइड्स देखने को मिल जाएंगे। ASUS का लैपटॉप नॉर्मल फोटो एंड वीडियो एडिटिंग हो, कैजुअल गेमिंग हो या ऑफिस या बिजनेस रिलेटेड टास्क के लिए काफी शानदार मॉडल है। और लैपटॉप 45,000 तक की कीमत में आपको जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवा रहा है वह काफी लाजवाब है। जैसे कि आपको इसमें 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग। इसमें इंटेल का 12 जनरेशन का i3 प्रोसेसर दिया गया है और एक पी सीरीज का प्रोसेसर है। और इसमें 8GB रैम के साथ 512GB की SSD स्टोरेज लगी मिलती है और आप इसमें रैम को 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। और इसमें प्रीलोडेड विंडोज 11 होम प्लस एमएस ऑफिस 2021 वर्जन इंक्लूडेड है। और इसमें सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं और इसमें लेटेस्ट वाईफाई ब्लूटूथ के वर्जन से दिए गए हैं। और इसमें इंटेल का UHD ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है और इसमें डुअल स्पीकर्स प्रोवाइडेड हैं। और इसी के साथ आपको इस लैपटॉप में फिंगरप्रिंट रीडर का फीचर भी देखने को मिल जाएगा जिससे आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा और आप इस लैपटॉप में अपने सभी तरीके के टास्क फास्ट एंड इजीली कर सकेंगे। और इस लैपटॉप पर पूरे 1 ईयर की वारंटी दी गई है। आप इसमें 7-8 आवर्स तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। वाकई में ASUS का लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और प्राइसिंग की बात करूं तो गाइस इस लैपटॉप की कीमत है 41,790 रुपीज और आप इस लैपटॉप को बिना किसी डाउट के डायरेक्ट Amazon या Flipkart से परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। और अभी इस लैपटॉप पर कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं जिससे आपको 5-10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है और आप चाहो तो इस लैपटॉप को EMI पर भी बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ये चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।